मेन चीज जो शील्ड एंड फायर एक्सरसाइज में जो आपने इस वक्त एडवांस एंगेजमेंट देखी वो ये मकसद है कि एंटी टेरर ऑप्स में हॉस्टेज क्लियरेंस या हॉस्टेज टेकिंग ऑप्स में जीएचक्यू में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में ये जो मनूवर है टैक्टिकली एसएसजी ने इस्तेमाल किया, मकसद क्या है? मकसद बड़ा सिंपल है, आप जैसे किसी हॉलवे में हो, तंग किसी कमरे में हो, तो एक जवान जिसके पास बड़ा वेपन है, दूसरा जवान जिसके पास शील्ड है और छोटा वेपन है, ये एज ए यूनिट आके एक दूसरे को कवर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इससे आप कमरा, एक और कमरा, एक और हॉल, एक और कमरा आप डोमिनेट कर सकते हैं। मकसद अगेन ज़रार कंपनी की, ज़रार एटीयू जो एंटी टेरर यूनिट है उसकी एक्सरसाइज है, जाने बचाना, सिर्फ लेना नहीं मगर बचाना, अपनी भी और जो हॉस्टेजेस हैं उनकी भी। वेलकम टू दी एसएसजीज शूट हाउस जी, ये इस वक्त ज़रार जो एंटी टेरर यूनिट है एसएसजी का और जिसका स्पेशल रोल हॉस्टेज रेस्क्यूइंग है, हम इधर उसके शूट हाउस में हैं, पीछे ड्रिल्स हो रही हैं, मगर इनके वेपनरी स्पेशल ऑप्स इज ऑल अबाउट स्पेशल टैक्टिक्स और स्पेशल टैक्टिक्स के साथ स्पेशल वेपनरी ज़रूरी है। अब एक ज़रार का जो रोल है उसमें क्या गोला बारूद इस्तेमाल होता है, इसका छोटा सा टूर। ऑफकोर्स आप वैसे तो देखने में पिस्टल है मगर जो ग्लॉक 19 है वो आपका साइड आर्म होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन वेपन है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए है वगैरह, साथ साथ आपका MP5 के VIP प्रोटेक्शन के लिए मैगजीन नहीं लगा हुआ, मगर वंस अगेन छोटा वेपन इसलिए है क्योंकि छोटी जगहों में होता है। अब VIP प्रोटेक्शन के साथ आप इसे स्लैंग कर सकते हैं, एकदम इसे रिप आउट कर सकते हैं बिकॉज ये खुफिया वेपन भी बन सकता है, इसलिए इसका वंस अगेन जो ग्रिप है इसकी छोटी है। MP5 का एक और इन्हांस रोल है, ये SD रोल है, इसमें साइलेंसर लगा हुआ है वेपन के साथ, मैगजीन भी लगा हुआ है, MP5 और ग्लॉक और इसकी जो बाकी वर्जन हैं वो ये 9mm ग्लॉक सेमी ऑटोमेटिक है, MP5 ऑटोमेटिक है, बट 9mm इसकी गोली होती है। अच्छा जी, अब साथ साथ चलें तो इसकी इन्हांस वर्जन भी है, MP5A2 है, मगर ऑफ कोर्स ज़्यादातर आपने देखा होगा अगर आपने SSG की नफरी देखी है VIP प्रोटेक्शन में, वैसे किसी और जगह तो आपने ये इनका जो कोल्ट M4 है ये आजकल इनका स्टैंडर्ड वेपन है, बाकी फौज के पास ये वेपन नहीं है। इसका जो स्पेशल स्कोप है ऐसा स्कोप भी आपने नहीं देखा होगा, ओवरऑल इसका नाम UDL है, इस स्कोप का नाम, काम इसका क्या है, क्विक एक्विजिशन, अगर मैं दिखा सकता हूँ आपको अंदर से, मगर अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मुझे इस वक्त आपको नहीं नज़र आ रहा मगर मुझे एक बहुत बड़ा सा रेड लेज़र डॉट नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब मैं रूम एंट्री करूँगा तो मुझे अपना जो टारगेट है वो जल्दी पाया जाएगा। साथ ये ख़ास चीज़ है, ये भी फौज में कहीं और नहीं है, ये वो डिवाइस है नाइट विजन गेयर के लिए जो कनेक्ट करती है SSG के शूटर को उसके टारगेट से, आपको कोई डॉट नहीं नज़र आएगा, कोई शुआएं नहीं नज़र आएंगी, ना जो दुश्मन है उसे SSG वाला नज़र आएगा मगर इसको टारगेट नज़र आएगा, और जब इसको टारगेट नज़र आएगा तो SSG का जो शूटर है उसे टारगेट नज़र आएगा। साथ इसके इसके बॉटम पे ये ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है, इसका एक अलग ट्रिगर होता है, ये इसके दो ग्रेनेड्स हैं, ये स्मोक ग्रेनेड है और ये जो है ये अल्लाह को प्यारा होने वाला ग्रेनेड है, मतलब हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है, जब आपने एंगेज, मॉर्टली एंगेज या फेटली एंगेज करना होता है। M4 की दो वर्जन्स हैं, वाजे तौर पे अलग नज़र आ रहा है आपको, ये इसकी कार्बाइन वर्जन है, इसका बैरल लंबा होता है, इसका लॉन्ग रेंज रोल है, इसका इधर कॉम्बैट ग्रिप, एक्स्ट्रा ग्रिप स्टेडीनेस के लिए लगी हुई है, ये आपका कमांडो वर्जन है, इसका कार्बाइन से छोटा इसका बैरल है, स्कोप से सबके ये वाला और ये वाला होलोग्राफिक स्कोप्स हैं, मतलब कि खाली मैग्निफिकेशन नहीं हो रही मगर टारगेट की एक्विजिशन, उसे देखना और उसे पिन पॉइंट करना भी सफाई के लिए SSG के जवान के लिए आसान है। ज़रार का एक एंटी हॉस्टेज रोल में एक डोर ब्रीचिंग रोल भी होता है, दरवाजे तोड़ना, खिड़कियों से आना, बड़े बड़े जो गेट्स हैं, बैरिकेड्स हैं, उनको ब्रीच करना, उनके लिए आपकी ये
पंप एक्शन शॉटगन्स की अलग अलग साख्त होती है, छोटी है ये वंस अगेन शॉर्ट रूम शॉर्ट क्लियरेंस के लिए जिधर जगह कम हो, ये वाली ऑफ कोर्स बड़ी है जिधर आप इसका जो स्ट्रॉन्ग बैरल है उसे भी आप यूज कर सकते हैं ब्रीचिंग के लिए। ये आपका स्लग राउंड है, ये जो स्लग है ठक करके कुंडी में लगता है, कुंडी को फाड़ देता है, और ऑफ कोर्स ये आपका स्मोक राउंड है। मगर ऑफ कोर्स हॉस्टेज टेकिंग हॉस्टेज रेस्क्यूइंग वगैरह में सबसे जरूरी काम शायद लॉन्ग डिस्टेंस से होता है, दूर से होता है, और उधर हमारी जो स्नाइपर राइफल्स हैं वो एक्शन में आती हैं। जो पहली दो हैं ये अमेरिकी साख की हैं, ये रेमिंगटन हैं, बाइपॉड जिनके लगे हुए हैं। बाइपॉड क्यों होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? बाइपॉड की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वेपन ठीक ठाक भारी है, तकरीबन 8-8.5 किलो इसका वजन है। ये आप शोल्डर पे नहीं स्लिंग कर सकते, इसका बैग होता है, अलग मैग्निफिकेशन के इनके स्कोप्स हैं, तकरीबन 800 मीटर इसकी रेंज है। ये रेंज बाकी वेपन्स की नहीं है, रेमिंगटन 700 है, ये इस वक्त लेटेस्ट आपका है। फाइबर ग्लास इसकी कंपोजिट बॉडी है, तकरीबन 8-8.5 किलो इसका वजन है। ये जब आप ज्यादा टैक्टिकल एक्सरसाइजेस में जाते हैं ये उस वक्त यूज होती है। ये बाय द वे इसका ये स्कोप का एडिशन है, जो आप अगर रात को ये वाला लगा लें और ये वाला उतार लें तो ये आपका नाइट स्कोप भी आपको नाइट कैपेबिलिटी भी मिलती है। फिर ऑफ कोर्स आपका AWA का स्नाइपर वेपन, ये एक काउंटर पार्ट है कह लें रेमिंगटन का, ये ब्रिटिश हैं, सेम थिंग, वेट ज़्यादा है, रेंज सिमिलर है, काम डिफरेंट है क्योंकि स्कोप जो है इसका ज़रा ज़्यादा बड़ा है, जर्मन है। मगर जो आपकी जो हैवी ड्यूटी बैड बॉय है वो ये दोनों हैं, बैरेट और रेंज मास्टर। अब ये इन्हें मैं उठा नहीं सकता, काश मैंने उठा सकता, बट तकरीबन 13 किलो बैरेट का वेट है, अराउंड 18 किलो रेंज मास्टर का वेट है। ये जब SSG मूव करती है तो SSG इसको डिसअसेंबल करके डब्बे में सूटकेस में पैक करके मूव करती है। 1800 मीटर तकरीबन दोनों की बराबरी की रेंज है, इनका राउंड भी ज्यादा बड़ा है, 12.7 राउंड। इन्हें एक्चुअली आप एंटी मटेरियल वेपन कहते हैं, जो मटेरियल को फाड़ देता है, बंकर को, गाड़ी को, जहाज को, फर्ज करें दुश्मन पीछे छुपा हुआ है किसी बंकर के या किसी गेट के, दिस गाय कम्स इनटू प्ले। बाकी सपोर्टिंग जो आपका गियर है इसमें जरूरी है, आपके 9mm छोटे साइड आर्म से लेकर आपके हाई वेलोसिटी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस वेपन्स, और अगेन स्नाइपर्स इस वक्त अगर आप स्टडी करें SSG को तो स्नाइपर्स का रोल अहम है। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ में मीरान शाह को क्लियर करने से पहले स्नाइपर्स वो पहला स्पेयर हेड थे जो मीरान शाह गए थे और जिन्होंने उधर दुश्मनों को टारगेट किया था, और शायद इसको भी यूज़ किया था। ये आपका एक्यूरेसी इंटरनेशनल की स्टैंडर्ड आपकी स्नाइपर राइफल है, मगर ख़ास इसमें एक जर्मन स्कोप भी लगा हुआ है और ख़ास इसमें साइलेंसर भी लगा हुआ है। अब ये मीरान शाह में किसके खिलाफ यूज़ हुई है ये मुझे नहीं पता, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि यूज़ हुई है। अच्छा, वेपनरी तो एक तरफ, मगर सर्वाइवल भी ज़रूरी है, थोड़ी सी पेट पूजा, थोड़ा सा न्यूट्रिशन, क्योंकि कमांडोज का रोल ऑलमोस्ट आइसोलेशनिस्ट है, इनको आदत होती है कि ये अकेले रहें, छोटे पैक्स में हंट करते हैं। आम इन्फेंट्री बटालियन में पूरी पलटने जाती हैं, कमांडोज ऐसे काम नहीं करते हैं। छोटी असॉल्ट टीम्स होती हैं, छोटी कॉम्बैट टीम्स होती हैं, 2, 3, 4, 6 लड़के, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए इनका सर्वाइवल, क्योंकि ये बाकी फौज से कट ऑफ होते हैं, बहुत आगे होते हैं, इनका सर्वाइवल ज़रूरी है। और सर्वाइवल में अगर भात हो तो हम सबको पता है कि सर्वाइवल के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पानी चाहिए। ये आपका कैमल बैक है, ये आप पीछे बांध देते हैं, आगे आपका ये स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ आपका निकलता है, इस स्ट्रॉ से आप पानी पीते हैं और अल्लाह की राह में चलते रहते हैं। ये आपका ये 2-in-1 है, इसमें आपका एमिनेशन भी आता है, असला भी आता है, और पीछे आपका पानी का निज़ाम भी चलता रहता है। ये 2-in-1 पैक है। ये सबसे मुश्किल चीज़ है करना, तकरीबन 30 kgs का ये 3-day पैक है, 3 days की मिशन के लिए। इसमें राशन, पानी, मैप्स, असलहा,
कोई और चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस, ब्रीफिंग्स, किताबें वगैरह जो इन्हें चाहिए वो इसमें होती हैं। 30 केजीज आप अपनी कमर पर डाल के 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। फिर बाकी जो आपका जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें आपका होल्स्टर साइड पे आप इसमें अपना थाई में आप लगाते हैं वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए, ये बार लगता है, आपकी बैलिस्टिक गॉगल्स रूम क्लियरेंस के लिए, शेल स्मोक को डॉज करने के लिए, एक आर्म होल्स्टर, एक एंटी टेरर होल्स्टर, ये अंदर बिल्कुल आपकी पतलून के अंदर या आपकी ड्रेस के अंदर चला जाता है। नी पैड्स, एल्बो पैड्स, नी पैड्स और एल्बो पैड्स, अगेन बहुत सारी शूटिंग ग्राउंड पे होती है तो नी पैड का काम ये है, जब आप ज़मीन पे होते हो तो आपको वो प्रोटेक्शन देता है, ग्राउंड पे भी अगर आप लेट के फायर करो तो वो आपको प्रोटेक्शन देता है। मेन काम इसका ये है। सात, NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल मास्क, आपने फर्ज करें स्मोक ग्रेनेड फेंका है, आपने कोई और ग्रेनेड फेंका है, खुद एक कमरे को आप क्लियर कर रहे हैं तो ये आप अपना कैनिस्टर एयर का इसमें फिक्स करेंगे, मास्क पहनेंगे ताकि जो आपने हमला दुश्मन पे किया है उससे आप खुद ना इफेक्ट हों। ऑफकोर्स आपकी जैकेट, ओवरऑल आर्मर प्लेटिंग होती है इसके अंदर, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे कहते हैं, अलग अलग नाम है, फ्लैग जैकेट कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं वगैरह। फिर आपका आ गया लोड बेयरिंग इक्विपमेंट, आम जुबान में आम फौज इसे बैंडलियर कहती है, SSG हर चीज़ अलग रखती है, हर चीज़ अलग करती है, ये आप पहन लेते हैं। इसमें अगेन आपका टॉर्च, छुरी, चाकू, मैगजीन्स एक्सेट्रा, ये सब प्रिपेयर करके फाइनली आपने सर को भी प्रोटेक्ट करना है तो आपने अपने सर के लिए ये आपका बैलिस्टिक हेलमेट रखना ज़रूरी है। तो ये सब जब आप कर लेते हैं और जब आप रेडी हो जाते हैं गियर अप के लिए, तो फिर एक साहब हैं जो आपके सामने आते हैं और आपको कहते हैं कि आर यू रेडी, और उनका नाम है कैप्टन नावेद, ज़रार कंपनी में है, ज़रार कंपनी में होते हैं, और ये सब आपका इक्विपमेंट है सर? जी बिल्कुल, ये हमारा इक्विपमेंट है। इसमें ये है कि वेपन इक्विपमेंट हमारे पास आपने देखा कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो बंदा होता है, क्योंकि मेन बिहाइंड द वेपन वो ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। ज़रार एंटी टेररिस्ट यूनिट को अगर देखा जाए तो उसमें जो हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इस तरह है कि एंटी टेररिस्ट कोर्स क्वालिफाई किया हो, उसमें पोजीशन होल्डर हो, और उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन स्कूल का उसके पास रिकमेंडेशन होना चाहिए कि दिस पर्सन इज़ रिकमेंडेड टू बी पोस्टेड इन एंटी टेररिस्ट यूनिट। अब मुझे ये भी पता है कैप्टन साहब कि आपने परफॉर्म किया था, ये जो लाल पट्टी आपको वैलर और इंजरी की लगी हुई है, आपने परफॉर्म किया था खुद पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद, आपके यूनिट ने, आपके ATU ने, आपकी ज़रार ने रिस्पॉन्ड किया था, तो उस वक्त वो एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था, उसमें ज़रार का क्या रोल था? उसमें मेन ज़रार का रोल ये था कि जैसे हम उधर पहुँचे हमने प्लानिंग की है, 10-15 मिनट की प्लानिंग की है, क्योंकि हमें पता है कि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। जो मेन चीज़ है, आपने उनके एक्शंस को देखा कि वो बुज़दिल दुश्मन है, हम अंदर घुसे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे पीछे कोई फ़ौज इधर अंदर आ भी सकती है। मैंने खुद, मैं असाल्ट टीम कमांडर था और मैं खुद उधर जो है ना फ्रंटल से जा रहा था, हमारे बंदों ने काफ़ियों को हिट भी किया है, ज़ख्मी होने के बाद उन्होंने बुज़दिली से अपने आप को ब्लास्ट किया है। कहते हैं अभी एक साइन भी आपका लगा हुआ था कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ये सब व्हेन यू आर इन द हीट ऑफ द बैटल ये कितनी काम आती है? ये ट्रेनिंग जिस तरह हम इधर करते हैं कि ट्रेन एज यू फाइट एंड फाइट एज यू ट्रेन, उस सिलसिले पे हम चल रहे हैं। हमारे पास इधर लाइट फोर्सेस भी आती है जिनके साथ हम कंबाइंड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हमें पता है कि हम आर्मी में से एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर लॉन्च होते हैं, हमारे बाद कोई नहीं आना, तो हम डू और डाई वाले मिशन के ऊपर चल रहे होते हैं। तो ड्रिल्स है हमारे पास, लेकिन ये कि मेरे जो बंदे हैं वो तमाम के तमाम वॉलंटियर होते हैं, उन्होंने घुसना होता है, लेकिन कोई भी आज तक हमने नहीं देखा कि कोई दहशतगर्द हमारे सामने आ सके। थैंक यू आबिद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो सुना जी आपने, खास बात SSG की खाली उसका इक्विपमेंट नहीं है, खाली उसकी स्नाइपर राइफल नहीं है, खाली उसकी शॉटगन या उसकी MP5 या उसकी M4 या उसकी ग्लॉक 19 नहीं है, खास बात SSG की एक तो उसके जवानों का, उसके ऑफिसर्स का वॉलंटियर स्टेटस है, वाहिद इदारा है फौज में जो खाली खाली वॉलंटियर्स पे चलता है, आपकी पोस्टिंग नहीं होती, आपकी नफरी कम या ज़्यादा नहीं होती, आप आते हो अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से आप रहते हो, इसलिए इनका जो फाइटिंग कैपेसिटी है और शायद इनका जो जज्बा है जैसे आबिद ने हमें बताया, वो कुछ अलग ही साख का है।
सीक्यूबी की ये रूम क्लियरेंस एक्सरसाइज जो आपने देखी है, इसमें मैनुअल एंट्री से कहते हैं, ये जो हमारा दोस्त है इसका नाम फ्लैश बैंग है, इसे आपने देखा कि डोर को जब ब्रेक किया गया उसके बाद फ्लैश बैंग स्टन ग्रेनेड लिखा हुआ है, स्टन ग्रेनेड फेंका गया क्योंकि बाकी स्टन करता है, चौंका देता है, 4-5 सेकंड ऐसे गुजरते हैं कि जो दुश्मन है उसको ना कुछ सुनाई दे और ना कुछ दिखाई दे। आजकल की टेररिस्ट थ्रेट ऑपरेशंस में सीक्यूबी का क्या काम है ये मुझे बताएंगे इस फॉर्मेशन की और इस ट्रेनिंग के इंचार्ज मेरे साथ कैप्टन नसीम। कैप्टन नसीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन ऑलरेडी। अच्छा, लुकिंग गुड। मुझे ये बताएं, ये जो आपने इतना शोर मचाया है और ये जो स्टन ग्रेनेड फेंका है और ये जो हथौड़े से आपने इस वक्त दीवार तोड़ी है, दरवाजा तोड़ा है, क्या काम है इसका? ये जो आपने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखी है, ड्रिल्स देखी है, दिस इज बेसिकली फॉर सीक्यूबी क्लोज क्वार्टर बैटल, जिसमें आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बिल्डअप एरिया, वहां पे अगर कोई सिचुएशन अकर हो जाती है और स्टेज रेस्क्यू या क्लियरेंस ऑपरेशन, तो उसमें हमारे इंडिविजुअल्स जो स्पेशलिस्ट है इस काम के, वो वहां पे जाके एंट्री करते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं और क्लियरेंस करते हैं। अच्छा, अब आजकल की थ्रेट एनवायरनमेंट में जो पाकिस्तान में जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बाकी जो हमारे अर्बन एरियाज में भी और हमारे रूरल एरियाज में भी, कोई मिसाल दें कि ये जो रूम एंट्री आपने की है, मैनुअल क्लियरेंस की है, ये कैसे यूज हुई? बेसिकली ये जो हमारी ड्रिल्स थी, इसमें आपने देखा होगा कि ये शील्ड भी यूज हुई है, फ्लैश बैंग्स भी यूज हुए। रिसेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो एपीएस ऑपरेशन, डेफिनेटली उसमें जरा रेटियो को ये टास्क मिला था कि एट द एंड जरा ने जाके ऑपरेट करना था। सो आवर इंडिविजुअल्स यूजिंग दीज ड्रिल्स, दे वेंट इनसाइड द बिल्डिंग, दो नोइंग दैट देयर आर टेररिस्ट हैविंग सुसाइडल जैकेट्स, तो ये सारी ड्रिल्स हमने यूज की और इन द एंड वी क्लियर्ड दैट। अच्छा, अब सिक्स मैन फॉर्मेशन क्यों रखी है? मैंने जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, क्लोज क्वार्टर बैटल की जो एक्सरसाइजेस अभी तक आपके साथ जो देखी हैं, ये छह कोई लकी नंबर है, कोई क्या? नहीं, बेसिकली दीज आर आवर ड्रिल्स, 2-man entry, 4-man entry, 6-man entry, यू कैन सी शील्ड मैन, नाउ द अदर 4 आर असॉल्ट मैन, 6th मैन ही वॉज एमओई ऑपरेटर, ठीक है, he is also specialist, ठीक है, he has to make entry, ठीक है, through the doors, through walls. अभी जो आपने demonstration देखी, this was door breaching. वैसे अगर multi-story buildings हो वहाँ पे हमने simultaneous entry करनी होती है. There are two types of operation. One is clearance, one is hostage rescue. अब इस सब में जो SSG का जो role है, अगर आप एक आर्म इन्फेंट्री बटालियन में हो, आर्म इन्फेंट्री बटालियन में ये ट्रेनिंग नहीं होती? जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में हमारी इन्फेंट्री बटालियंस ऑपरेट कर रही है, देयर ड्रिल्स आर डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि बेसिकली दे आर 3-4 tiers, आर्मी गोज, इन्फेंट्री गोज, देन कमांडो यूनिट गोज, एट द लास्ट जब सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही होती बाकी फोर्सेस से, या हॉस्टेज स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होते, देन देयर आर एटीयू गोज इन। जब आप लोग फ्रंट लाइन पे नहीं होते तो पूरा दिन ये करते रहते? ये हमारी डेली की सुबह में उठते, नाश्ता ये पे होता है, हमारे ड्रिल्स ये पे होते हैं, एंड ऑल द डे। घंटे में, दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग होती है? अराउंड अबाउट 6 hours हमारी ये ट्रेनिंग होती है और चलती रहती है, चलती रहती है। और बाकी घंटों में क्या होता है? बाकी घंटों में देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये आपने देखा होगा कि हेल्दी एक्टिविटीज, ये अपने रूटीन को फॉलो करते हुए हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, सो दे शुड रिमेन मेंटली स्ट्रॉन्ग, शार्प और फिट। मेंटली स्ट्रॉन्ग, शार्प और फिट, जी ये आपने देखा, ये शील्ड मैन है, मैं जरा सी जगह लूंगा, मगर बॉटम लाइन ये है आपकी कि अगेन It's not just about the weapon. खाली weapon से काम नहीं होता, खाली scope से काम नहीं होता, खाली इसके tag gear से काम नहीं होता। जो SSG का जो जवान है, वो again, अगर वो front line पे नहीं है, तो वो ऐसे कमरों में, और again, ये mock-up target है, ये असली कमरा नहीं है, मगर environment ऐसी बनती है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मिजाज है, वो बन जाए, hard wire आप हो जाएं, कि जब अगली बार आप किसी built-up area में जाएं, अगली बार आप किसी कॉम्पाउंड में जाएं, अगली बार आप किसी वीआईपी टारगेट को अपने दुश्मन को पकड़ें, चौंकाएं, उसे वेकअप कॉल दें, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। और यही एसएसजी का एज है, एक मेंटल एज है, खाली फिजिकल प्रावेस या वेपनरी नहीं, मगर एक मेंटल एज है, जिससे वो अपने दुश्मन को एक नए तरीके से, उस पर एक अजीब गरीब और एक शार्प तरीके से उस पर हावी होते हैं। स्पेशल ऑपरेशंस में स्पेशल रोल होते हैं और अलग अलग नौयत के ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टाइप्स की वेपनरी और गेयर एसएसजी के जवान जो हैं वो पहनते हैं और उस हिसाब से ट्रेनिंग लेते हैं।
ये इस वक्त नाइट असॉल्टर टीम है नाइट ऑपरेशंस के लिए, रात को ऑपरेशंस के लिए। क्यों? क्योंकि एसएसजी की जो मूवमेंट है और की जो ट्रेनिंग है और का जो फाइटिंग एज है वो रात के लिए है, क्योंकि दुश्मन जो है स्पेशली एलआईसी में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है उसमें एक जो कटिंग एज है वो हमारे पास, हमारी अफवाज के पास जो गेयर है वो है, और वो एसएसजी बेस्ट शायद यूज करती है। ऊपर आप देखें ये जो नाइट असॉल्टर है इसका एनवीजी जो कैमरा है वो इसे फीड करता है, ये नीचे हो जाता है जब ये ऑप एरिया में जाता है। साथ इसका सिग्नलिंग इक्विपमेंट, इसका रेडियो सेट लगा हुआ है। जो कमांडो इसकी M4 है वो तो आपने पहले देखी होगी। ये इसकी नाइट विजन डिवाइस है, ये शुआएं देती है इसको ताकि जिधर इसका वेपन जाए उधर इसका टारगेट लॉक हो इस जवान का। मैगजीन इसमें लगा हुआ है, 5.56 नेटो राउंड है, सेकेंडरी वेपन भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर जगह M4 जो आपकी कार्बाइन है यूज नहीं हो सकती। साथ आप और देखें चाकू लगा हुआ है, वंस अगेन अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए, और ये इनके गेयर जो आप देखें कि इनडोर कामों के लिए जो इनके मास्क वगैरह हैं वो भी ये साथ कैरी करते हैं। और अगर देखें साथ साथ तो ये एनवीजी माउंट है, ये भी हेलमेट पे फिट होता है। एक और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पीछे सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, वाटर पैक है, एमो पैक है, असलहा वगैरह साथ है, सिग्नलिंग इक्विपमेंट के लिए एंटीना इसका है, मेड पैक मेडिकल पैक भी लगा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता इंजरी हो तो साथ साथ आप अपने आप को पैच अप कर सकते हैं। ये नाइट असॉल्टर्स हैं मगर ये एब्सेलर्स हैं। एब्सेलर्स का काम कुछ और ही है। एक तो आप देखें वेपन अलग है। एब्सेलिंग पहले होती क्या है, वेपन के बारे में बाद में बताऊंगा। एब्सेलिंग हवा से होती है, हेलीकॉप्टर से फास्ट रोप करके आते हैं, फास्ट रोप रस्सी के जरिए आप बिल्डिंग पे लैंड करते हैं, इसलिए ये जो एब्सेलर्स हैं इन्होंने ये थिक ग्लव्स पहने हुए हैं। एब्सेलिंग के लिए आपका जो हार्नेस है वो भी लगा हुआ है, नीचे आपका लोडिंग जो आपकी हुक है इसी पे करके जब आप हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं कुंडी मार के एक और खिड़की के जरिए तोड़ के आप जो दुश्मन है उसे सरप्राइज करते हैं। काम अंदरूनी है तो बिकॉज स्प्रिंटर्स वगैरह आ सकते हैं तो गॉगल्स भी लगाई हुई हैं। ये वाला जो बैग है इस तरफ अक्सर सेकेंडरी वेपन होता है मगर इधर ये रोप बैग राइट पे होता है, इसलिए जो आप सेलर्स हैं वो अपना सेकेंडरी वेपन लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। कम इक्विपमेंट कैरी करते हैं, क्यों? क्योंकि मेन काम आपका बैलेंस रखना है, आपका मेक श्योर आपके हैंड सेफ हैं। वेपन भी अलग है क्योंकि इंडोर कॉम्बैट है, CQB है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट जिसे कहा जाता है, दरवाजों के अंदर दरवाजों को तोड़ के कमरों के अंदर अंदरूनी कार्रवाई होती है, तो वेपन भी जो है MP5 है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट वेपन है। ये हो गया एब्सेलिंग, मगर ये जो जवान है ये स्ट्रेच ऑपरेशंस के लिए, लंबे ऑपरेशंस के लिए। क्यों? क्योंकि लंबे ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। एसएसजी का रोल ज़रबेअज़ में स्पेयर हेड का रहा है। फौज के आने से पहले जो रेगुलर आपकी इन्फेंट्री वगैरह है उसके आने से पहले इनका काम है आगे जाना, 2-3-4 दिन आगे जाना ताकि इलाके को क्लियर करें, रिकॉन भी करें, जासूसी भी करें और एंगेजमेंट फौजी कार्रवाई जिसे कहते हैं वो भी करें। इसलिए इनका काम कुछ अलग ही नौयत का है। 30-30, 40-40 किलो का जो पैक है इसमें इनके मेडिकल सप्लाईज, इनका खाना पीना और दूसरे जो लड़के हैं उनके लिए भी सामान, स्नाइपर के लिए मैगजीन्स इक्विपमेंट वगैरह, तो इनको लोडर्स कहा जाता है। तगड़े होते हैं क्योंकि जितना बॉडी वेट शायद इनका होता है उतना ये कैरी करते हैं। सामने इनके बैंडोलेयर्स लगे हुए हैं, नी पैड्स आपने देखे हैं, इनके पास भी अपने वेपन्स होते हैं। आजकल की लड़ाई स्पेशली जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या बॉर्डर पे हो रही है उसमें ऐसी आपने खबरें सुनी होंगी कि बहुत हाई वैल्यू टारगेट, कोई VIP टारगेट मारा गया। कैसे मारा गया? वेल वी अबाउट टू फाइंड आउट। मेरे जो मेहमान खसूसी हैं आज की एपिसोड में वो शायद इधर हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे मगर
शायद उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। और मेरे साथ ऑफ कोर्स एसएसजी की आजकल की एनवायरनमेंट में शायद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जवान स्नाइपर्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम, ठीक ठाक सर, कैसे हो? खैर खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? लस्ना एक नजीब जरार एंटी टेररिस्ट। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये क्या पहन के बैठा हुआ है? ये मेरे पास वेपन है AW। AW जी, ये ब्रिटिश वेपन है? जी ब्रिटिश वेपन है, इंग्लैंड का बना हुआ है, एक्यूरेसी इंटरनेशनल कंपनी की, और इसके ऊपर जो स्कोप है जर्मनी की है, स्मिथ एंड बेंडर कंपनी की है। क्या रेंज क्या है? रेंज इसका 1000 मीटर। स्नाइपर का काम क्या होता है नजीब? स्नाइपर के बेसिकली तीन काम है। सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी टास्क है, छुपी हुई पोजीशन से दुश्मन के टारगेट को एंगेज करना। दूसरा जो हमारा टास्क है वो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इकट्ठी करना। ठीक है, ठीक है। और दुश्मन की फोर्स के अंदर खौफ और हिरास पैदा करना, क्योंकि लॉन्ग रेंज वेपन होते हैं, और जब लॉन्ग रेंज से दुश्मन की हिटिंग शुरू हो जाती है तो इस वजह से उसकी फोर्स में भगदड़ मच जाती है और उनके अंदर खौफ और हिरास मच जाता है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा भाई है इधर, ये इसने क्या पकड़ा हुआ है? ये रेंज फाइंडर है? ये इसके पास है स्पॉटिंग स्कोप, ये हाई मैग्निफिकेशन स्कोप है, ये ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, तुम लोग जोड़ी में क्यों बैठते हो? मैंने सुना है स्नाइपर हमेशा जोड़ी में हमला करते हैं। ये स्नाइपर पेयर है, ये एक दूसरे को बाहमी इमदाद मुहैया करते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। जो ऑब्जर्वर होता है वो स्नाइपर को टारगेट इंडिकेट कराता है, और फिर स्नाइपर ऑब्जर्वर, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके स्नाइपर शॉट खेलता है। देखा जी आपने नजीब से बात की, थैंक यू नजीब। थैंक यू सर। ट्रेनिंग, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। सॉरी, मगर ये जरूरी था दिखाना। शेरों की तरह स्नाइपर जो हैं वो अपने टारगेट को एंगेज करते हैं। आजकल की एनवायरनमेंट में स्नाइपर का रोल अहम है। अभी हमने नजीब से बात की, नंबर वन प्राइमरी जो काम है, पहला काम टारगेट करना दुश्मन को, दूसरा काम रिकॉन जासूसी करना। हर वक्त फायर करना जरूरी नहीं है, हर वक्त लड़ाई करना जरूरी नहीं है, लड़ाई से पहले जासूसी आ, लड़ाई से पहले दुश्मन की मूवमेंट को देखना, इंटेलिजेंस गैदर करना कि कितने हैं, कहाँ हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। और तीसरा काम ये सब करके ऑफकोर्स दुश्मन को बुजदल करना, उसे वेयर डाउन करना, उसे पिन डाउन करना, उसे हरास करना, ये स्नाइपर्स का काम है। और ऑफकोर्स जोड़ी में शिकार करते हैं शेरों की तरह। ये सिर्फ चला हुआ कारतूस नहीं, ये नेटो राउंड 5.56 कैलिबर का शेल है जो इस से निकलता है। ये M4 कोल्ट कमांडो है, ये आजकल स्टैंडर्ड वेपन है स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज का। इस वक्त मेरी जो पोजीशन है वो स्लिंग डाउन है, ये पहले नहीं थी, इसके ये खास एक स्लिंग होता है जिसे आप खास तरीके से पहनते हैं। इसलिए है कि जब मैं पेट्रोल कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं अपना छोटा जो प्राइमरी वेपन है, तो ये मेरा ये है जो मेरा सेकेंडरी वेपन है, जो छोटा वेपन है, वो निकाल के मैं अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकता हूँ, मुक्काबाजी कर सकता हूँ, चाकू चला सकता हूँ, भाग सकता हूँ इजिली, हाथ मेरे जो हैं वो फ्री हैं। इसके अलग अलग किस्म के स्टांसेस हैं, एक इसका लो कैरी है जो इसकी ग्रिप है। आप जब लो कैरी करते हो, पेट्रोल पे जाते हो, तो आपकी जो विजिबिलिटी है, जो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो ज़्यादा हो सकती है। ओवरऑल आपकी जो मैनूवरेबिलिटी है वो इस वेपन के साथ ज़्यादा है। फिर आपका हाई कैरी है, हाई कैरी आप क्यों करते हो? क्योंकि फर्ज करें कि कॉशन आ जाता है, आप रेडी हो जाते हो कि इलाके में दुश्मन है, तो ये आपका हाई कैरी मोड होता है, इसमें आप ज़्यादा रेडी होते हो रिस्पॉन्स के लिए। और फिर ऑफकोर्स ये आपका की फायरिंग पोजीशन है, फायरिंग पोजीशन में टांगे जो हैं कैसी भी पोजीशन आप ले सकते हैं। मैंने देखा हुआ है कि SSG के जवानों ने ऐसे भी फायर किया है, SSG के जवानों ने ऐसे भी फायर किया है, कुछ जो नी पैड्स पहनते हैं ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए ऐसे भी फायर करते हैं। क्यों? डिपेंड करता है, हर जो आपका पोस्चर है और जो आपकी सिचुएशन है और जो आपकी स्पीड है और जिधर आप खड़े हुए हैं उस हिसाब से आप
फायर करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो मैंने समझाया है वो थोड़ा बहुत सही है अभी तक। माशाल्लाह यू हैव इनफ नॉलेज ऑफ दिस वेपन रिगार्डिंग कैरिंग ऑफ दिस वेपन। अभी इससे आगे मेरे ख्याल से चले जाते हैं। इससे आगे क्या जाएंगे? आगे वी हैव टू डेफिनेटली फायर विद दिस वेपन। वी हैव टू फायर विद दिस वेपन। वी हैव टू फायर विद दिस वेपन। हियर आई गेट अमोनिशन। ठीक है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट लोडिंग ऑफ दिस वेपन। श्योर। ये ऊपर वाला बोल्ट। यस। ठीक है। यस एंड यू प्रेस। एंड एक चीज मैंने पूछनी थी आपसे, अभी तो सेफ पे है। यस वेपन इज सेफ। इससे पहले कि सेफ से निकले मैं आपसे पूछ लूं, आप लोग हमेशा लो क्यों कैरी करते हैं, हाई क्यों नहीं कैरी करते हैं, या ऐसे क्यों नहीं लेके? सो डेफिनेटली आवर वेपन शुड बी अलाइंड विद आवर बॉडी, आईज स्टैटिक टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है। ऑब्जर्विंग आवर एनिमी एंड द मोमेंट यू सी योर एनिमी आउच आई कांट हियर एनीथिंग। ये आप जो पूरा दिन ये काम करते हैं तो शाम को घर जाके टीवी कैसे देखते हैं? डेफिनेटली ज्यादा एक्सेसिव हम ट्रेनिंग करते हैं तो फॉर दैट वी हैव एयर प्रोटेक्शन। ठीक है। वी डेफिनेटली यूज एयर प्रोटेक्शन सो दैट वी आर एबल टू ऑब्जर्व आवर एनिमी सो वी आर इन वर्किंग कंडीशन। मगर थिएटर में जब जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जब आप लोग होते हैं तो उस वक्त वो एयर मार्क्स की ना जगह होती है, ना टाइम होता है, ना वक्त होता है, ना मोहलत होती है। एट दैट टाइम वी आर इन एक्शन, वी डू नॉट केयर अबाउट आवरसेल्फ, वी केयर अबाउट द टारगेट वी हैव। Understood. देखा जी आपने M4 Colt Commando Carbine, अगर ये आपको चलाना नहीं आता तो इसके बगैर SSG में आपकी मैट्रिक नहीं पास होगी। आपकी रन होती है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर होता है, तरबेला की गर्मी और तरबेला की ह्यूमिडिटी वैसी भी होती है, आपने पैच नहीं पहने होते, नी पैच पहने होते, अपने DMSs पहने होते हैं, M4 आपके पास होती है, दिल आपका धड़क रहा होता है और ऑफ कोर्स साथ साथ सांस चढ़ी भी होती है, गर्मी लगी भी होती है और इंस्ट्रक्टर का गुस्सा आपके सर पे सवार होता है और सामने 300 मीटर पे टारगेट होता है। एक आम आफ्टरनून, एक आम दोपहर में ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जब आप SSG में होते हैं। था जिसको शौक अल्लाह के दीद का, अल्लाह ने दे दिया उसे रुतबा शहीद का। ये जी तरबेला डिव हेडक्वार्टर्स में SSG की यादगार शोहदा है। बहुत सारे सेक्टर्स पे बहुत सारी शहादतें हैं, सियाचिन, पिशावर, बलूचिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वगैरह वगैरह। 1954 में ये जब यूनिट बना था, ये कंपनी था, आज एक डिवीजन है। हर वक्त एवर रेडी और हमेशा एक स्पेशल रोल में इन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया है। कोई ऐसा मकसद नहीं है जिसके लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया गया हो। आज इनकी ट्रेनिंग, इनके वेपन्स, इनकी टैक्टिक्स, मगर शायद सबसे ज़्यादा इनका जोश जो इनकी आंखों में नज़र आता है, ऑब्वियस है। 1954 से लेकर अब तक जितनी भी जंगें और ऑपरेशंस और एंगेजमेंट्स पाकिस्तान ने लड़ी हैं उसमें आज तक 461 इनकी शहादतें हुई हैं। अगेन ऑपरेशन जरबेज का अगर हिसाब लें तो SSG का रोल एक स्पेयर हेड का रोल है। ऑपरेशन की शुरुआत, ऑपरेशन के बीच में और ऑपरेशन की आखिरत तक इनका रोल अहम रहेगा। वो किसी शायर ने बोला है कि बड़ा गुरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। यही इनका एटीट्यूड है, यही इनकी यलगार है और यही इनका बिलीफ है। पाक फौज का हर वक्त सीना सपर रहने वाला दस्ता
पाकिस्तान की फाइटिंग एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप द SSG।